हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं हूं रवि मल्होत्रा, ये है मेरी स्कॉर्पियो एन। और लो, आज फिर मैं आ गया आपके सामने एक ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ना सिर्फ स्कॉर्पियो एन यूजर्स के लिए बट मैं जिन गाड़ियों में भी पुश बटन स्टार्ट का फीचर अगर आता है तो उन गाड़ियों के लिए ये बहुत यूजफुल होने वाला है ये वीडियो। बिफोर गोइंग एनी फर्दर, अब आप अगर मेरे चैनल पर आ ही गए हो और आप ये वाला वीडियो देख रहे हो और आप देखते हो मेरे वीडियोज आके, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, अब जो आप आ गए हो तो मैंने आपको जाने नहीं देना। चलो आगे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है जिसके अंदर फीचर है आपके पास पुश बटन स्टार्ट का, और आप इस चीज़ से थोड़ा बहुत आपके मन में रहता है कि कल को अगर बैटरी इसकी लो हो जाएगी तो आप उस सिचुएशन में आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला वीडियो। तो इस वीडियो को ज़रूर अपने जो जितने भी लोगों के पास ऑटोमेटिक ये वाला फंक्शनैलिटी है जिसमें पुश बटन स्टार्ट होता है, वो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उन लोगों का भी ये जो शक है वो निकल जाए। क्योंकि मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ वो चीज़ जिस चीज़ के बारे में आप कभी ना कभी ज़रूर सोचा होगा आपने। अब जो ये चीज़ है इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये चीज़ हमारे साथ हुई थी और 6 महीने से हमारे साथ मैसेज आ रहा था बार बार इंफोटेनमेंट के अंदर कि भाई बैटरी लो है इसकी, तो कहीं पर भी हमें जाना होता था तो दूसरी की को साथ कैरी करना पड़ता था, क्योंकि अगर हम दूसरी की को कैरी करते थे तो एक तरह का ये रहता था कि कल को अगर इसमें मतलब उस वक्त एट अ टाइम अगर प्रॉब्लम इसके अंदर आई है तो हम दूसरी की का को यूटिलाइज़ करके उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसका रियल टाइम आपको एग्जाम्पल दिखाने जा रहा हूँ कि अगर आपकी जो की है उसके अंदर सेल नहीं है, मतलब मैं आपको दिखाऊंगा सेल निकाल के, क्योंकि बैटरी अगर डेड है तो उस सूरत में आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी कि नहीं होगी वो हम करके देखते हैं, लेकिन मैं इसमें से सेल निकालने वाला हूँ। उससे पहले मैं अपनी गाड़ी को कर देता हूँ लॉक, ठीक है। मैं अपनी गाड़ी को कर रहा हूँ लॉक, ये मेरी गाड़ी हो गई है लॉक। तो मैं अब निकालने जा रहा हूँ उसका सेल। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर इसको ओपन कैसे करना है। आप सिंपल देखो, ये यहाँ से थोड़ा कटआउट सा है, आपको दिख जाएगा आपकी की के अंदर, तो आपने इसको सिंपल इसको ऐसे खोलेंगे और थोड़ा सा और पुश करेंगे तो ये निकल जाएगा। निकलने के बाद आपको सेल दिखेगा, ये न्यू सेल है जो हमने डाला है। मैं आपको दिखाऊंगा कि पुराना सेल जो मेरे पास अभी पड़ा हुआ है और इसको निकालने का तरीका क्या है। कोई भी ऐसी पैनी सी चीज़ हो उसको आप इसके अंदर यहाँ पे डालेंगे, ये निकल गया सेल। अब सेल निकालने के बाद इसके अंदर अब सेल नहीं है, ये रहा सेल, ठीक है, ये रहा सेल। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम रियल टाइम आपके सामने एग्जाम्पल पेश करते हैं। इसको मैं अपनी जेब में डाल लेता हूँ, ठीक है, और ये भी गया जेब के अंदर। ये मैं दे देता हूँ अपने कैमरामैन को, लो जी। तो अब हम गाड़ी को खोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि जो सायरन है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा जैसे ही ओपन करेंगे, क्योंकि ये लॉक हो रखी है एक्टिवेटेड की से। अभी ये की जो है काम नहीं करेगी तो हमें इसे मैनुअल खोलना पड़ेगा, क्योंकि देखो कोई भी बटन काम नहीं कर रहा है, सेल नहीं है ऑब्वियसली तो काम नहीं करेगा। तो अभी इसको खोलते हैं। आइडिया ये कि ये देखो 31 टाइम्स बजेगा या जो भी है 31 जितने भी बचता रहेगा, तो आपको क्या करना है इसको लगा के फटाफट गाड़ी को इग्निशन मोड में ले आना है ताकि सायरन फटाफट बंद हो जाए। और इसको रखना कहाँ पे, की फॉब ट्रे है उसके अंदर डालेंगे हम इसको, ये इसमें की लग गई, ये हमने इसको खोल दिया। अब जैसे खोलेंगे इसका ऑटो ऑन हो जाएगा, की फॉब ट्रे में रख रहा हूँ, ये मैंने की फॉब ट्रे में रख दिया। रखते ही जैसे मैं इसको ऑन करूंगा, गाड़ी स्टार्ट हो गई है और हूटर बंद हो गया। बिना बिना सेल के, बिना बैटरी के गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो अभी हम गाड़ी के, अभी हम आपको स्टार्ट करके दिखाई है, अब दोबारा से गाड़ी बंद हो गई है। तो इसमें जैसे कुछ गाड़ियां हैं जिनके पास पुश बटन स्टार्ट होता है जिनमें उसमें की फॉब ट्रे नहीं होती, जैसे कि किसी गाड़ी में ये फीचर अगर नहीं है तो उसमें ये बताया जाता है कि इसको जो पुश बटन स्टार्ट वाला जो ये बटन है इसके पास में ऐसे लगा के स्टार्ट करो तो स्टार्ट हो जाती है। कुछ गाड़ियों में ऐसा होता है, कुछ गाड़ियों में यहाँ नीचे की तरफ दिया होता है पर उनको पता नहीं होता, हिडन होता है कि यहाँ रख दो तो हो जाती है स्टार्ट। तो अभी हम दोनों तरीके से, यहाँ हमारी गाड़ी में तो है नहीं तो यहाँ तो हम ट्राई करेंगे नहीं, हम यहाँ लगा के जरूर एक बार ट्राई कर लेते हैं। बिना सेल की बैटरी, बिना बैटरी की चाबी हमने लगाया है यहाँ पे, ठीक है, और अब हम इसको ट्राई करते हैं स्टार्ट करने का, ठीक है। मैंने क्लच दबा लिया, फर्स्ट इग्निशन दिया, ये एक्टिवेट तो हो गई है लेकिन अब देखते हैं सेकंड इग्निशन में स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। ये स्टार्ट
नहीं हो रही है। तो मैसेज आ रहा है बार बार टू स्टार्ट पुट द की इन साइड द की फॉप ट्रे। तो ये है की फॉप ट्रे, पास से दिखो, ठीक है। बिना बैटरी की हमने ये यहाँ पर की बनी भी हाँ, है। हमने यहाँ पे रखी, यहाँ हमने इसको दबाया, ये इग्निशन मोड में आ गया। अब हमने इसको स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है और आप इस चीज को, क्योंकि मैसेज बार बार आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम में आ रहा है और आप यू आर गेटिंग वेरीड अबाउट इट कि भाई कल को अगर मेरी बैटरी बिल्कुल ही डेड होगी तो मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, तो अब बेफिक्र हो जाइए क्योंकि आपने मेरा वीडियो देख लिया है। क्योंकि मैंने आपको दिखाया है कि मेरी गाड़ी का सेल नहीं है और अभी भी देखो गाड़ी स्टार्ट कर रखी है। गर्मी लग रही थी तो गाड़ी हमने स्टार्ट कर रखी है और ये की फॉप ट्रे में खड़ी है। अब तो ये कहीं पर भी आप रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्ट करते वक्त डिटेक्ट कराने के लिए आपको इसके अंदर की फॉप ट्रे के अंदर रखना जरूरी है। तो आपके पास अगर गाड़ी में की फॉप ट्रे नहीं है तो आप अपना पुश बटन स्टार्ट के पास जाके उसको टच करते हुए अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना स्टार्ट करें कोशिश करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगी। और अगर की फॉप ट्रे है तो आपको पता ही है कि आपको क्या करना है। तो अब आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और सबको बताना है। आजकल हर गाड़ी के अंदर पुश बटन स्टार्ट का फीचर है और लोग चाहते भी हैं उनकी गाड़ी में ये फीचर हो, बट उनको ये नहीं पता की के साथ कैसे ऑपरेट करना है। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो चाबी, जो ये की है, इसका जो सेल है वो मैंने निकाला था आपके सामने। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो सेल खरीदा है वो खरीदा है ये वाला मैक्स सेल का। किसी भी जो घड़ियों की दुकान होती है आपको वहां पे मिल जाएगा, ये तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसका कोड जो है वो 2032 है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था बट वो स्पेशली इस चीज को टारगेट नहीं किया था मैंने। ये मेड इन जापान है। जो पुराना सेल है वो ये वाला इसके अंदर पड़ा हुआ है, जो कि स्टॉक सेल है, स्टॉक बैटरी है जो इसके साथ आती है, और ये पैनासोनिक की है और मेड इन इंडोनेशिया है, अगर आप जैसे देख सकते हैं, ठीक है। अब हमने ये बात तो कर ली, अब आपको अपनी गाड़ी की जो की है उसकी बैटरी को चेंज करना भी आना चाहिए। तो ये भी हम आपके लिए आसान बना देते हैं। मैंने आपको मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखो ये हमने उसके ऊपर से निकाला था और ये सेल है उसके अंदर, मैं वापस डाल के दिखा देता हूँ। वेरी इजी, ये स्लाइड इन और स्लाइड आउट का ही सिस्टम है इसके अंदर। तो आपको इसके अंदर जो सेल है वो ऐसे डालना है, ये स्लाइड इन हो गया, ठीक है। अब आपको ऊपर से इसको कैप को लगा देना है, ये कैप लगाना भी, ये आपको इसको ऐसे लगा देनी है और इसको दबा देना है। अब आपकी ये की पूरी तरह से काम करने लायक हो चुकी है और इसमें सेल पड़ चुका है, ठीक है। और अगर आपको इसको निकालना है तो वो मैं आपको निकालने का तरीका बताता हूँ। सिंपली पुश करना है, थोड़ा सा ज़्यादा धीरे पुश करेंगे तो ये पूरा बाहर आ जाएगा। उसके बाद इसका जो सेल है ये निकालने के लिए ये इसके अंदर जाएगा ऐसे, ठीक है, इसके अंदर जाती है, आप इसको ऐसे खींचोगे तो ये पॉप अप हो जाएगा। देखिए ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो था जो हमने आपके सामने अभी पेश किया, जो बनाया है हमने। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है अपने जानने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि अगर उनके पास भी पुश बटन स्टार्ट का फीचर है उनकी गाड़ी में तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। हम आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहेंगे और हमारी कोशिश यही रहती है कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। और यही हमारा मोटो भी है कि हम जितने भी वीडियोस आगे भी बनाएंगे, चाहे हम किसी जगह पे जाते हैं, किसी होटल पे जाते हैं, रहते हैं, हमें जैसा फील होता है वहाँ पे कि भैया ये चीज़ ठीक है और ये चीज़ ठीक नहीं है, हम आपको एज इट इज़ आपके सामने लेके आते हैं और वैसे ही लेके आते रहेंगे। ये चैनल पे आपको कभी भी कोई भी डिसऑनेस्ट रिव्यू या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी, देखने को मिलेगी। जो चीज़ जैसी है उनको आपके सामने वैसे ही लेके आएंगे। तो ये था आज का वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर चैनल एंड वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तब तक के लिए बाय, जब तक के लिए हम नया वीडियो बनाते हैं। बाय बाय।